हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कि दोस्तों उन लड़कियों को फ़ायदा होगा जिनके बॉयफ्रेंड की शादी किसी और के साथ तय कर दी गई है। अब उनकी सगाई होने जा रही है या शादी होने जा रही है, रिश्ता हो चुका है, तो ऐसे में आपकी समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। आप चाहते हैं कुछ ऐसा उपाय आपको मिल जाए जिससे कि आप अपने बॉयफ्रेंड की शादी को रुकवा सके, तो मैं आज जो आपको इस वीडियो में बताऊँगा ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा, उसके बाद आपने इस्तेमाल कर अपने बॉयफ्रेंड की शादी, सगाई, रिश्ता बड़ी आसानी से तुड़वा सकते हैं। या फिर आप खुद एक लड़के हैं और आप किसी और से प्रेम करते हैं और आप नहीं चाहते कि शादी हो, तब भी आप इस शादी को तुड़वा सकते हैं, रुकवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसका गलत इस्तेमाल कभी ना करना। जी हाँ, कभी भी किसी का बुरा करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो प्यार में पड़कर पूरी तरह से गंभीर हो जाती हैं और उन्हें अपने प्यार के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता। वो चाहती हैं कि किसी भी प्रकार से उसका बॉयफ्रेंड उसे मिल जाए, अन्यथा वो अपनी जान तक देने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। ऐसे में दोस्तों, ये कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए कि ये लड़कियाँ अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाती हैं। आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको छोड़ भी गया है, आप दोनों का रिलेशन था जो काफ़ी समय पुराना था और उसमें आप एक दूसरे पर जान निछावर करते थे, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप दोनों में कमियां आने लगी, एक दूसरे में प्यार कम होने लगा और प्यार कम होते होते एक दिन ऐसा आया कि आप दोनों बिछड़ गए। वो कुछ मजबूरियों के कारण हुआ या फिर दोस्तों ब्रेकअप हो गया था आपका, लेकिन उस समय कुछ और सिचुएशन थी। लेकिन आज आप फिर से उन्हें याद करते हैं, उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से अपने उपाय करना होगा, किस प्रकार से अपने दोस्तों अपने बॉयफ्रेंड की शादी, सगाई, रिश्ते को तुड़वा सकते हैं। तो इसे करने के लिए दोस्तों कुछ सामग्रियाँ चाहिए होती हैं जो पहले से आप ले आइएगा। शनिवार जिस दिन भी पड़ता है उससे पहले अपने सामान ले आइएगा। आपने सबसे पहले तो दोस्तों किसी भी ऐसी शॉप पर जाना है जहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते हों, वहाँ से अपने दोस्तों कोई छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना है, कोई मटका ले सकते हैं आप, और उसके साथ साथ आपने सवा मुट्ठी यहाँ पर काले उड़द की दाल चाहिए होगी, सवा मुट्ठी चावल, सवा मुट्ठी गेहूं चाहिए है, और सवा मुट्ठी ही अपने दोस्तों काले तिल चाहिए होते हैं। ये जो मैंने सामग्री आपको बताई है ये आप उस मटके में डाल दीजिएगा, उसी दिन डाल सकते हैं, चाहे उपाय आप शनिवार के दिन कर लीजिएगा। और साथ में एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि एक कागज़ लेना है, कागज़ पर अपने बॉयफ्रेंड का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और एक मंत्र आपने लिखना होगा। मंत्र लिखेंगे ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे ह्रीम क्लीम स्वाहा। दोस्तों आपने ये मंत्र लिखकर पर्ची में बनाकर फिर से उस मटके में डाल देना है, ऊपर से आपने एक दोस्तों लाल कपड़ा लपेट देना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे ही उस लाल कपड़े को बांधते हैं शनिवार के दिन, अपने सामने रखकर अपने स्वास्तिक के सिंदूर या हल्दी के साथ उन पर निशान बना देने हैं उस मटके के ऊपर। अपने प्यार को याद करना, अपने बॉयफ्रेंड को याद करना है, अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेना है 7 बार और फूंक लगानी है उस मटके के ऊपर। इतना कार्य करने के पश्चात दोस्तों शनिवार के दिन ही आप उस मटके को उठाइए और दोस्तों आसपास कोई देखना है कि कोई आता जाता ना हो, जहाँ वहाँ चौराहे से अपने गुजरना होगा। अब जैसे ही गुजरते हैं तो अपने सबसे पहले तो दोस्तों इसे किसी चलते पानी में बहा देना है, कोई नहर हो, नदी हो, आप उसमें बहा सकते हैं इसे। उसके बाद इसका परिणाम जो होगा दोस्तों, आपके बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो गया था, सगाई हो गई थी या शादी होने जा रही थी, तो वो बड़ी आसानी से रुक जाएगी और आपका बॉयफ्रेंड आपके पास वापस लौट कर आने पर मजबूर हो जाएगा। ये है हमारी आज की वीडियो, जिससे कि उन लड़कियों को जरूर फायदा होगा जिनके बॉयफ्रेंड की शादी किसी और के साथ तय कर दी गई है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी यह वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।